हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में। और आज मॉर्निंग में हम हर दिन की तरह आज फिर आपसे डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्न, जो कि आपके डेली करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको MCQs को सॉल्व करना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स से होकर ही निकलता है UPSC में मेंस का रास्ता, और फिर तभी आप सिविल सर्विसेज में पास हो पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन से मुद्दों पर हमें चर्चा करनी है और कैसे आप UPSC के MCQs को टैकल करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, जो भी छात्र हमारे बारे में नहीं जानते हों, ये हमारे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। जैसे कि हमें 4 वर्षों के अध्यापन का अनुभव है, और इस कम अंतराल में भी हमने कई छात्रों को सिविल सेवा में चयनित करवाया है। हमने 2 बार UPSC का इंटरव्यू दिया हुआ है, 4 बार हमने मुख्य परीक्षा लिखी है, और हमने गेट के साथ साथ जो RAS का एग्ज़ाम होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, वह पास किया है। और हमने BTech इलेक्ट्रॉनिक्स और MA हमने लोक प्रशासन से किया हुआ है। तो ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। और देखिए, एक बार हम फिर बात करते हैं आपसे अनअकैडमी प्लस के बारे में। क्योंकि देखिए बच्चों, ज़्यादा लेट होने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि लेट जितना करोगे फिर आप ही लेट करोगे। तो फिर UPSC और भी हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे व्यवधान आते हैं जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी और लेट हो जाएंगे। तो कम से कम आपको अपने पार्ट पर कोई देरी नहीं करनी चाहिए, और जल्दी से आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। और देखिए, इसमें जितनी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं वो कहीं और मिलने की संभावना ही नहीं है। क्योंकि देखिए, आपको पूरे ही इंडिया में कहीं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको 100% GS के एक एक टॉपिक को कवर करवाने की गारंटी देता हो, और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो पूरे 2 साल के करंट अफेयर्स को तरीके से आपको करवा सके। क्योंकि और वो भी ऐसा करंट अफेयर जिसमें आपके द हिंदू, बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस, सारे इंग्लिश अखबारों को हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा यहाँ पर। क्योंकि अगले महीने यहाँ पर आपको करंट अफेयर का कोर्स भी चालू होगा जो कि हिंदी में होगा, और वो पूरे ही 2 साल के करंट अफेयर को ढंग से कवर करवाएंगे विथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, कि जैसे आपके क्वेश्चन आंसर कैसे हो बनते हैं, कैसे आपको आंसर देना चाहिए। क्योंकि हिंदी मीडियम छात्रों का करंट अफेयर बहुत वीक होता है, इसलिए वो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। और इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पर CSAT, ऑप्शनल, GS के सब कंप्लीट बैचेस, मेंस का कंप्लीट पेपर, ऑप्शनल सारे ही आपको, और सभी के सभी मिलेंगे आपको। एक दो नहीं, पूरे 80 एजुकेटर्स हैं यहाँ पर। इन 80 एजुकेटर्स के सभी कोर्स आपको मिलने वाले, बहुत ही ऑसम कोर्सेज हैं। और खासकर इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये अब जो UPSC का ट्रेंड बदला है उसके अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। अभी पुरानी घिसी पिटी बातें करने का टाइम जा चुका है, क्योंकि अब पूरा ही पैटर्न 2013 के बाद में बदल चुका है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, चाहे प्रीलिम्स का देखो या मेंस का देखो, किसी भी सब्जेक्ट का देख लो, सब कुछ ही करंट अफेयर आता है। तो उसी के हिसाब से, उस बदलते माहौल के हिसाब से हमें एनालाइजिंग पावर डेवलप करनी होगी, और विश्लेषण क्षमता डेवलप होगी आपकी अनअकैडमी प्लस पर। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए इसे। और देखिए, रही बात इसकी फीस की, वो तो बहुत ही कम है, और इससे कम फीस होना हमें नहीं लगता कि पूरे इंडिया में इत पॉसिबल है, वो भी एशिया के टफेस्ट एग्जाम के लिए। मात्र 2900 रुपये प्रति माह में आप इस पूरे कोर्स को ले सकते हो, सिर्फ 2900 रुपये प्रति मंथ। कितना कम पैसा है, और इस हिसाब से आपकी जो टोटल फीस हो जाएगी 35,000 रुपये है। और इसमें भी हमारा एक कोड है, हमारा कोड है SSLIVE, SS Live हमारा कोड है। इसको लिखो, अप्लाई करो, और 3100 का फायदा पाओ। 31,500 में टोटल साल भर के सभी ऑसम कोर्स, पूरे अकेडमी पर जितनी चीजें अवेलेबल हैं, सब आपके हाथ में। और जो छात्र 2 साल के लिए सब्सक्राइब करेंगे उनको सिर्फ 2300 रुपये प्रति माह देने पड़ेंगे, और वो टोटल 56,000 में कंप्लीट 2 साल के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए, टोटल 56,000 में पूरा 2 साल सिर्फ 25,000 रुपये पड़ेगा आपको। और क्यों पड़ेगा? क्योंकि आप क्या करोगे, हमारे इस कोड को फिर यूज कर लोगे। हमारा कोड क्या है, SSLIVE, इसको ध्यान से लिखिएगा, और फिर 50,400 का पूरा कोर्स आपको पड़ जाएगा, क्योंकि जो 10% की भारी छूट है वो आपको मिल जाएगी। और देखिए, कई छात्रों ने डेमो क्लासेस हुई थी, वो नहीं ली, वो लिमिटेड टाइम ऑफर निकल गया। वैसे ही ये 10% का ऑफर भी जल्द ही खत्म होने वाला है, तो अगर आपने ये 10% का ऑफर नहीं लिया
तो फिर और नुकसान हो जाएगा। तो ये ऑफर खत्म ना हो उससे पहले पहले आप ले लो, क्योंकि कई छात्र हमसे कह रहे थे कि सर अब डेमो क्लासेस नहीं मिल सकती क्या 7 दिन की। हमने जब उनको कहा था बार बार कि देख लो, तब आपने देखा नहीं, अब टाइम निकल गया, तो फिर जब चिड़िया चुग जाए खेत फिर पछतान होत क्या। तो पछताओ मत, टाइम पर काम करो, सब्सक्राइब कर लो, अभी 10% की छूट है, ले लो। और देखिए कुछ छात्र कह रहे थे कि हमें थोड़ा डाउट है, समझ में नहीं आ रहा सब्सक्राइब कैसे करना है। सिंपल लॉजिक, सिंपल तरीका, गूगल प्ले स्टोर सबको पता है, किसी के पास आईफोन हो तो आईफोन में भी ऑप्शन होता है आपका, जाओ गूगल प्ले पर और फिर आपके यहाँ पर ये अनअकैडमी प्लस का ऐप होगा, लर्नर्स ऐप है, ध्यान दीजिएगा लर्नर्स ऐप आपको इंस्टॉल करना है, उसमें यूपीएससी गोल सेलेक्ट करना है, फिर ऐसे स्क्रीन आ जाएगी, इस स्क्रीन पर गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ, यहाँ पर आपका फिर ये आपको टाइम आ जाएगा कि कौन सा कोर्स आपको लेना है, 1 साल का, 2 साल का, जो भी कोर्स आपको लेना हो उस पर क्लिक कर लो और कंटिन्यू कर दो। फिर उसके बाद जब आपका, अब ये जो स्टेज आएगी इसको ध्यान से भरिएगा इसमें, क्योंकि आपको कोड भरना है और कोड आप हमारा भरेंगे SSLIV। देखो बच्चों ध्यान से, हमारे इस कोड को अगर आपने भर दिया तो ही आपको ये 10% की छूट मिलेगी। अगर इसमें एक भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि 2 छात्रों के ऐसे गड़बड़ हो गई थी फिर उनको कुछ नहीं मिला, तो देखिए इस कोड को थोड़ा सा ध्यान से बिना किसी टेंशन के शांति से भरिएगा। सिंपल कोड है SSLIV, SSLIV हमारा कोड है, इसको भरो शांति से और तभी आपको ये 10% की छूट मिलेगी। फिर आप सब्सक्राइब कर लो, फिर पूरे साल भर के जितने कोर्सेज है औसम तैयारी औसम पढ़ाई के साथ हमसे जुड़ जाओ। चलिए आज के पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हम विजय अभियान का आयोजन निम्नलिखित में से किनके बीच में हो रहा है। पहला ऑप्शन भारत और नेपाल, दूसरा ऑप्शन भारत और चीन, तीसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश और असम, चौथा ऑप्शन उत्तराखंड और कश्मीर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ये आपके हमारे देश में ही हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें आपके अक्टूबर 2019 में ये अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में होगा, और इसकी खासियत ये है कि ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के साथ में होगा। एक पूरी तैयारी की जाएगी कि कल को कोई युद्ध हो जाता है तो कैसे हमारी मिलिट्री फोर्सेस लड़ेंगी और कैसे दुश्मनों का सामना करेंगी, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रयास के तो आपको भी जंग लग सकता है, इसीलिए हमने डेली MCQ रखे हैं ताकि आपके दिमाग को जंग ना लगे। वैसे ही मिलिट्री के लिए हम विजय हम कर रहे हैं ताकि हमें जंग ना लगे। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में शुरू हुए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। एक छात्र ने कहा था सर योजनाओं पर प्रश्न करवाओ, देखो हम लेकर आ गए, अब डेली 1-2 योजनाओं पर भी प्रश्न होंगे ताकि आपकी योजनाएं भी साथ के साथ कवर हो जाए। तो ये है आपका राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन है, इस कार्यक्रम की शुरुआत पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग और ब्रूसेलोसिस के नियंत्रण तथा उन्मूलन के हेतु की गई है। कार्यक्रम के लिए अनुमानित कुल राशि का 50% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा एवं 50% आपके राज्य सरकारें देंगी। और तीसरा कथन है, वर्ष 2025 तक जानवरों पशुओं में खुरपका मुंहपका और ब्रूसेलोसिस रोग का उन्मूलन करना इसका लक्ष्य है। आपको सही कथनों का चयन करना है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इसमें केवल और केवल पहला कथन ठीक है, ये दोनों ही कथन बिल्कुल गलत है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे गलत है। पहली बात तो ये है कि जो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने आपके फुट एंड माउथ डिजीज जो है और जो ब्रूसेलोसिस है इसके नियंत्रण के लिए की है, और इसकी जो टोटल इसमें जो खर्चा हो रहा है वो है आपका 12,652 करोड़ का, और इसके दो घटक हैं, दो पार्ट हैं। एक तो क्या है आपको, ये इन दोनों रोगों पे FMD और ब्रूसेलोसिस इन पे नियंत्रण करना है, और 2030 तक इनका क्या करना है, उन्मूलन करना है। केवल कंट्रोल होगा 2025 तक, उन्मूलन होगा 2030 तक आपको क्या करना है, उन्मूलन करना है। ये इस प्रोग्राम के रियलाइजिंग है, क्योंकि देखो जैसे आपके किसानों को क्या करना है, हमें 2022 तक उनकी जो आय है उसे बढ़ाना है, तो उसी के अंतर्गत आपके खोली गई है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि जब पशु अच्छा तभी किसान अच्छा और तभी आपका देश अच्छा। तो इसमें क्या है, जितने भी पशु हैं
उनके लिए रोगों का नियंत्रण किया जाएगा, और जो खासकर FMD डिजीज जो होती है, मुंहपका और खुरपका, उससे ज्यादा पशु बीमार हैं, और उसी के साथ साथ ब्रूसेलोसिस का भी निवारण किया जाएगा। और इसमें आपके आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन भी किया जाएगा, यानी कि जो हाइब्रिड और संकर जो जीव हैं उनका भी पालन पोषण किया जाएगा। और इस प्रकार से ये सारी ही चीजें, इसमें जो भी इनकम होगी, जो भी रोजगार होगा, वो पार्टीशन इसमें जो दिया जा रहा है, मैक्सिमम पार्ट आपका, ज्यादा पार्ट आपका सेंटर द्वारा दिया जा रहा है, इसमें आपके स्टेट का ज्यादा नहीं है कॉन्ट्रीब्यूशन। अगला प्रश्न है आपका कि मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, हाल ही में तेलंगाना के निजामाबाद जिले में राज्य के पहले मेगा फूड पार्क, ध्यान दीजिएगा, राज्य के पहले मेगा फूड पार्क, फूड पार्क, और वो भी निजामाबाद जिले में। दूसरा, मेगा फूड पार्क योजना के तहत केंद्र सरकार प्रति योजना में 60 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तीसरा कथन, देश के पहले मेगा फूड पार्क की स्थापना आंध्र प्रदेश के चित्तूर नामक स्थान पर की गई है। सही कथनों का आपको चयन करना है। तो चलिए देखिए, इसका बिल्कुल सही कथन है केवल फर्स्ट और थ्री, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। तो चलिए देखते हैं कैसे गलत है। देखिए, 6 सितंबर 2019 को जो हमारा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है हरसिमरत कौर बादल जी, इन्होंने तेलंगाना के निजामाबाद जिले में ही कहां पर लक्कमपल्ली नामक स्थान पर एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है, और यह तेलंगाना का पहला मेगा फूड पार्क है। और इस योजना के प्रति जो सरकार पैसा देती है हर मेगा फूड पार्क को, वो 50 करोड़ है, ना कि 60 करोड़। और देश का जो पहला मेगा फूड पार्क था वो आपके श्रीनी में था, श्रीनी मेगा फूड पार्क, और ये बिल्कुल आपके आंध्रा के चित्तूर जगह पे ही स्थिर था। थोड़ा सा और जानते हैं कि मेगा फूड पार्क का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर ये कैसे काम करता है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी इस पे प्रश्न आ चुका है। तो देखो, आपके होता क्या है मेगा फूड पार्क में, जैसे आपके स्वयं सहायता समूह हुए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपके इंडिविजुअल फार्मर हो गए, खुद व्यक्तिगत किसान हो गए आपके, और अगर किसान का कोई ऐसा समूह है, संगठन है, वो सब क्या करते हैं, आपके पब्लिक प्रोड्यूसिंग कंपनीज बना के सीधे सीधे यहाँ पे मेगा फूड पार्क जो होती हैं सेंट्रल प्रोक्योरिंग कंपनीज, उनमें चले जाते हैं, और इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह, फार्मर्स के ग्रुप और आपके फार्मर इंडिविजुअल, ये आपके यहाँ पर फूड, खाने वाने की चीज़ें इकट्ठी करेंगे, और फिर इनका हम खाद्य प्रसंस्करण करके, वैल्यू एडिशन करके पूरे देश में आगे बढ़ा सकते हैं, और फिर इस प्रकार से इनसे इनकी जो स्वयं सहायता समूह है उनकी भी आय बढ़ेगी और अपने किसानों की भी आय बढ़ जाएगी। देखिए, अभी यहाँ यहाँ पर हमने प्रपोज किए हुए हैं मेगा फूड पार्क, जैसे हम बात करें ऊपर की तो यहाँ पर सुचकित स्टार्ट में है, गुजरात की बात करें तो अडानी में है आपके, महाराष्ट्र में दो है आपके जैन नेग्रो, और ये ऐसे ही तेलंगाना में भी दो तीन है आपके, आंध्रा में APIIC कृष्णा में है, ओडिशा में आपके खुदरा में है, मध्य प्रदेश में आपके देवास में पाया जाता है, और ऐसे ही बिहार में बक्सर में है। तो ये आपके प्रपोज्ड मेगा फूड पार्क हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हाल ही में एक रिपोर्ट में आपके आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं की पहली रिपोर्ट जारी की है, वो किसने की है? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं क्लाइमेट काउंसिल, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तीसरा है भारत का मौसम विभाग, और चौथा है क्लाइमेट रेजिलियंट ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड प्रमोशन काउंसिल। तो जो चौथा ऑप्शन है आपका CROSE, बिल्कुल ठीक है इसका, CROSPC, क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड प्रमोशन काउंसिल ने बिजली गिरने की पहली रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट को क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल ने जारी किया है, और यह एक गैर लाभकारी संस्था है, यह क्या है आपके एक NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और यह भारत के मौसम विभाग के अंतर्गत के साथ मिलकर काम कर रही है, उसी के अंतर्गत उसी के साथ मिलकर काम कर रही है ये। और इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच में जो 4 महीने की अवधि में सबसे ज्यादा जो बिजली गिरी है, उस बिजली के गिरने से 1311 लोगों की मौत हो गई है, और इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मौत हुई है, फिर उसके बाद में बिहार में, फिर उड़ीसा में, फिर झारखंड में, तो सबसे ज्यादा यूपी के लोगों पर बिजली यहां गिर रही है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा देश बोलिविया के साथ भूमि संपर्क बनाया हुआ है? लैंड कॉन्टैक्ट किन किन के साथ है आपके? बोलिविया, बोलिविया कहाँ है? साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। देखिए इसके ऑप्शन है ब्राजील, कोलंबिया, पैराग्वे, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, तो सही कूटों का चयन करना। तो देखिए बिल्कुल सही कूट है इसके 1, 5 और 3, केवल अर्जेंटीना, ब्राजील और पैराग्वे, ये तीन ही जगह हैं, तीन ही देश हैं जो कि आपके बोलिविया से भूमि संपर्क लैंड कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं। थोड़ा सा लोकेशन देखते हैं बोलिविया की, ये पूरा का पूरा आपका वर्ल्ड मैप है, इसमें ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, नीचे ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में ये आपका बोलिविया, यहाँ पर ब्राजील के पास। थोड़ा और अंदर घुसते हैं तो देखिए ये है आपका बोलिविया, बोलिविया से टच कौन करता है? ब्राजील कर रहा है, इधर आपका पैराग्वे कर रहा है, इधर आपका अर्जेंटीना कर रहा है, चिली भी आपके टच किए हुए है, पेरू भी आपके टच किए हुए। अब देखिए कोलंबिया बिल्कुल नहीं कर सकता, वेनेजुएला बिल्कुल नहीं कर सकता, तो इस प्रकार से आपके ये बोलिविया और ये उसके आसपास के कंट्रीज जो इससे टच किए हुए हैं, जो आप यहाँ पर इस मैप में देख सकते हैं। और इसकी जो राजधानी है वो है बोलिविया की राजधानी लापाज, लापाज इसकी राजधानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बजट के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन कौन से गैर कर राजस्व है, कि बिना टैक्स का नॉन टैक्स रिवेन्यू कहां कहां से आता है। ऑप्शन निगम कर, ऋण पर ब्याज और निवेश पर लाभ। सिंपल है, यहां पर कर आ गया तो ये गैर कर नहीं हो सकता, इसीलिए बिल्कुल सही आंसर सेकेंड और थर्ड। तो देखिए कैपिटल पूंजी की प्राप्तियों और भुगतान में शामिल होते हैं और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारी कंपनियों, निगमों और अन्य को दिए गए शेयरों और अग्रिमों को निवेश में शामिल किया जाता है। तो ऐसे क्या होता है, हमारे राजस्व बजट के दो पार्ट होंगे, एक होगा राजस्व यानी रिवेन्यू, रिवेन्यू के दो पार्ट आपके ऐसे, एक होता है आपका राजस्व प्राप्ति और दूसरा पूंजी प्राप्ति है। तो जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं उसके अलावा आपके उसमें होते हैं कर राजस्व और दूसरा होता है आपका गैर कर राजस्व। कर राजस्व में आपके क्या आएगा, जैसे निगम कर आ गया आपका, आयकर आ गया आपका, किसी का संपत्ति कर आ गया, ये सारी की सारी चीजें आपके कर राजस्व में आएंगी। और गैर कर राजस्व में होंगे आपके ब्याज से जो पैसा आ रहा है, निवेश से जो पैसा आ रहा है और लाभांश से जो पैसा आ रहा है, वो आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू कहलाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्थापित जिला परिषदों में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन, छठी अनुसूची, छठा शेड्यूल संविधान का, इसके तहत स्वशासी जिलों के लिए एक 30 सदस्यीय पूर्णतः निर्वाचित जिला परिषद होगी। दूसरा कथन, जिला परिषदें अपने अधीन क्षेत्रों में जनजातियों के आपसी मामलों के निपटारे हेतु ग्राम परिषद या न्यायालयों का गठन कर सकती हैं। और तीसरा है, जिला परिषदों को भू राजस्व का आकलन और संग्रहण करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसमें से आपको सही कथन बताने हैं। तो दोस्तों इसके बिल्कुल सही कथन है सेकंड और थर्ड, पहला कथन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहली बात तो यह है, जो हमारी छठी अनुसूची है जो कि आपके, अगर उसके हम संविधान की बात करें, छठी अनुसूची का एक पार्ट है आपके संविधान के पार्ट 10 में, जो कि अनुच्छेद 206 आपके 244 आर्टिकल 244 के अंतर्गत आता है। इस छठी अनुसूची में आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो भी ट्राइबल क्षेत्र होते हैं, जो भी जनजातीय इलाके होते हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए होते हैं। अब उनमें से जैसे कि है कि प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक 30 सदस्यीय जिला परिषद होगी, जिसके 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाएंगे, बल्कि 26 सदस्य क्या होंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर चयनित होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पूरे के पूरे सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं, केवल आपके 4 नामित होते हैं, बाकी 26 ही निर्वाचित होते हैं, ये बात ध्यान रखने की है। अच्छा क्वेश्चन है, जिला परिषद अपने अधीन क्षेत्रों के लिए भूमि, वन, नहर, कृषि, ग्राम प्रशासन, विवाह, तलाक, सामाजिक रूढ़ियों के प्रति अपनी सेपरेट लॉज बना सकते हैं। इसके साथ ही जिला परिषदों के अधीन जनजातियों के लिए जो कोई मामला निपटारा करना हो तो उसके लिए ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन किया जा सकता है। और ये जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का होगा। तो ये सिंपल सी बात है, छठी अनुशासी अनुसूची के प्रश्न इस बहुत आते हैं और खासकर न्यूज़ में भी बहुत हैं, तो आपको 5th और 6th शेड्यूल को ध्यान से देखना होगा। अगला प्रश्न आपका,
कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो कि जो डियर करेंसी है ये क्या है आपके, कम ब्याज दर वाली व्यवस्था है। सॉफ्ट करेंसी क्या बताई गई है आपके, कि किसी अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा बाजार में आसानी से उपलब्ध धन को कहा गया है। और हार्ड करेंसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जिसकी आवश्यकता हर अर्थव्यवस्था को होती है। तो सही परिभाषा के अनुसार कूटों का चयन करो। तो देखिए इसमें सेकंड और थर्ड ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है, डियर करेंसी की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं डियर करेंसी क्या होगी आपके, कि महंगे धन का तात्पर्य एक ऐसी मुद्रा से होता है जिसे उच्च ब्याज दर के कारण प्राप्त करना कठिन होता है। डियर यानी थोड़ा महंगा होगा क्योंकि उच्च ब्याज दर है, और यह महंगा धन या महंगी मुद्रा प्राय सख्त मुद्रा के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि उस दौरान जब केंद्रीय बैंक सख्त मुद्रा नीति को अपनाएगा तो बैंकिंग उद्योग में क्या होगा, ब्याज दर अपने आप ही ज्यादा हो जाएगी। तो उसे कहते हैं डियर मनी पॉलिसी, और ये डियर मनी मतलब महंगी मुद्रा। चीप करेंसी इसकी उल्टी होगी, सस्ते ब्याज वाली। सॉफ्ट करेंसी क्या होगी आपके, जो कि आपके कम ब्याज पर लंबे टाइम के लिए आपको मिल जाएगी। और हार्ड करेंसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं वो होती हैं जिनकी सभी को आवश्यकता होती है, जिनकी सभी को पूछ होती है, और कोई भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है। जैसे कि आपके डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, युआन या फिर रेनमिनबी हो गया, ये सभी हार्ड करेंसीज हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, वरुण भारत और फ्रांस के बीच होने वाला एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। दूसरा कथन, संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। सही कथनों का चयन करो। तो देखो इसमें बिल्कुल सही है पहला कथन, दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देखिए भारत और फ्रांस के बीच में एक मई से गोवा के तट पर नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है वरुण एक्सरसाइज वो आयोजित की जा रही है। और संप्रति क्या है आपके, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वो मिलिट्री एक्सरसाइज है। जो संप्रति है वो आपके मिलिट्री एक्सरसाइज है, नौसैनिक नहीं है। नेवल एक्सरसाइज आपके वरुणा है जो कि इंडिया और आपके फ्रांस के बीच में हो रही है। अगला प्रश्न, गोबी मरुस्थल गोबी डेजर्ट के बारे में आपको कुछ कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कि यह मध्य एशिया का एक हिस्सा है। दूसरा कथन, यह उत्तर में अल्ताई पर्वत, दक्षिण पश्चिम में तिब्बती पठार और दक्षिण पूर्वी में उत्तरी चीन के मैदानों से घिरा हुआ है। सही कथन का चयन तो बिल्कुल सही है, 100% सही है आपके दोनों कथन। देखिए तो थोड़ा सा लोकेशन देख लो आप, ये आपका गोबी डेजर्ट है, और इस गोबी डेजर्ट में देखिए ये हमारे यहाँ पर आपका है हमारा प्यारा भारत कहाँ गया, ये हमारा हिमालय है, यहाँ के रीजन में हमारा प्यारा भारत आता है, और यहाँ पर आपका चाइना आ गया, और यहाँ पर इसके ऊपर टकला मकान डेजर्ट आता है, और ये है पूरा आपका जो चाइना और मंगोलिया में घिरा हुआ है, ये है आपका गोबी डेजर्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड एंड आपका एशिया का काफी बड़ा डेजर्ट है गोबी डेजर्ट। लोकेशन आपको नजर आ रही है तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं मध्य एशिया का है, बिल्कुल सेंट्रल एशिया में ही है, ये अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर मंगोलियाई गोबी है कहा जाता है जिसे, क्योंकि मंगोलियाई गोबी का मतलब पानी रहित स्थान, इसलिए इसका नाम कहा गया है गोबी डेजर्ट। और मंगोलिया और चीन के विशाल भूभाग में फैला हुआ है जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया, और इसके उत्तर में एल्टाई रेंज है, नीचे आपके मंगोलिया के घास के मैदान, दक्षिण पश्चिम में हेक्सी कॉरिडोर और तिब्बत पठार, और दक्षिण पूर्व में आपके चीन के मैदान हैं। थोड़ा सा अब ये क्वेश्चन आया है तो हमारे वर्ल्ड के जो डेजर्ट है उन्हें जानना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि नॉलेज हो तो पूरी होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले, क्योंकि देखिए डेजर्ट पर क्वेश्चन यूपीएससी तो पूछता है, बाकी स्टेट पीएससी का भी फेवरेट है कि डेजर्ट पर वो प्रश्न पूछेंगे। तो देखिए आपके यूएसए में आपके सोनोरन डेजर्ट मिलता है, क्या सोनोरन डेजर्ट, ऐसे ही आपके चिचनचुआउ डेजर्ट मिलता है, मोजावे डेजर्ट भी आपके यूएसए में है, और ग्रेट बेसिन भी आपके यूएसए में है। ऐसे ही अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, दक्षिणी अमेरिका की, तो वहां का फेमस है एटकामा डेजर्ट और आपका पेटोगोनियन डेजर्ट, पेटोगोनियन प्लेटो पे पेटोगोनिया डेजर्ट और एटकामा डेजर्ट। वैसे ही शेंशुरा के बारे में इतना नहीं पूछा जाता। अब ये है मोस्ट फेमस,
वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा मरुस्थल, ऐसे ही आपके अफ्रीका के नीचे मिलता है नामिब डेजर्ट और आपका कालाहारी डेजर्ट, ऐसे ही सोमाली प्लेन पर भी डेजर्ट है, और जैसे इंडिया का थार मरुस्थल के बारे में तो आप जानते ही हैं, और ऐसे ही आपका एक टकला मकान डेजर्ट है और एक आपका गोबी डेजर्ट है, और आपके ऑस्ट्रेलिया में भी काफी मरुस्थल मिलते हैं जैसे कि ग्रेट सैंडी बेसिन, जिप्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन मरुस्थल और आपका तनामी मरुस्थल। तो ये मेन मरुस्थल है, फटाफट से अगर खींचना है तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इन वाक्यों पर आपको विचार करना है कि ताइवान में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्षेत्रीय समिति के 72वें सत्र में जो आपका खसरा और रूबेला नामक रोग है उनको खत्म करने का संकल्प ले लिया गया है, दूसरा कथन इसको 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, सही कथन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हमें गलत कथन ढूंढना है, सही कथन नहीं है उसको आपको ढूंढना है, सही कथन नहीं है का आंसर है सी, दोनों ही गलत हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। तो चलो देखते हैं कैसे गलत है। पहली बात तो देखो ये क्या है, WHO ने नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया रीजन में क्या किया है, आपके ये जो चिल्ड्रनों को मारने वाली जो सबसे ज्यादा बीमारी है खसरा, और आपके जो खसरा या मिजल्स या फिर रूबेला जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा मारती है, उसको ख़त्म करने का लक्ष्य 2025 नहीं 2023 रखा गया है, 25 नहीं है। और इसी में एक रेजोल्यूशन लिया गया है जो कि आपके 72वें सेशन में लिया गया है, और ये हुआ है आपके दिल्ली में, कहाँ हुआ है आपके दिल्ली में, जबकि आपके प्रश्न में कहाँ 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 दिया गया था, ताइवान का नाम लिया गया था, जबकि हुआ है ये आपके दिल्ली में, इसलिए न्यूज़ में है। अगला प्रश्न कि जो आपके पूर्वी आर्थिक मंच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, ईस्ट इकोनॉमिक फोरम पूर्वी आर्थिक मंच के बारे में बताना है आपको, पहला कथन कि रूसी संघ के राष्ट्रपति द्वारा 2015 में इसे स्थापित किया गया था, दूसरा कथन पूर्वी टैरिफ बाधाओं के बारे में लिए गए डिसीजंस के बारे में बात करता है, यह प्रत्येक वर्ष रूस का शहर है व्लादिवोस्तोक वहां पर होता है, और चौथा कथन भारत पांचवें पूर्वी आर्थिक फोरम में रूस के सुदूर पूर्व के विकास के लिए $1 बिलियन कि जो रूस का सुदूर पूर्व है उसके लिए भारत ने $1 बिलियन का क्रेडिट किया है, और सही कथनों का आपको चयन करना है। तो देखिए न्यूज में था हाल ही में, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ कथन ठीक है, ये आपका गड़बड़ है। तो देखिए जो मेन काम है आपका ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का वो क्या है, आपके इंडस्ट्रीज वगैरह को आगे बढ़ाता है, जैसे कि रिसर्च के काम करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन के, फाइनेंशियल सर्विसेज, पैसेंजर्स, मतलब जो आपके अर्थशास्त्र से रिलेटेड, आपके कृषि इत्यादि से रिलेटेड जो मेन सारे ही काम होते हैं वो आपके ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम देखता है। जैसे कि आपके व्यापार की बात करेगा, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाने की बात करेगा, जैसे हमारे देश में क्या है विनिवेश हो रहा है क्योंकि हमारी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन BSNL जैसी कंपनियां अच्छा उत्पादन नहीं कर पा रही हैं, एजुकेशन, ऑयल एंड गैस, सभी मेन चीजों को कवर करेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, ये बहुत न्यूज में है कि नवतेज सिंह चौहान और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस भी आजकल पूछे जाते हैं। तो देखिए नवतेज सिंह चौहान बनाम भारत संघ का एक महत्वपूर्ण निर्णय किससे संबंधित है, इस केस का जो निर्णय आया था वो किससे संबंधित है, पहला कथन निजता का अधिकार, दूसरा कथन कार्यस्थल में यौन उड़न को संबोधित करना, सॉरी यौन उत्पीड़न को, जो आपका सेक्सुअल हरेसमेंट होता है यौन उत्पीड़न को संबोधित कर प्रतिबंधित करना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, प्रतिबंधित करना आपके सेक्सुअल हरेसमेंट को रोकना, तीसरा है वयस्कों के बीच निजी तौर पर समलैंगिक यौन संबंध सहित सभी रूढ़िवादी सेक्स का निरअपराधीकरण करना, यानी कि जो आपके समलैंगिक सेक्स जो होता है आपके लेस्बियन और बाइसेक्सुअल्स के बीच में उसको परमिट करना, उसको डिक्रिमिनलाइज्ड करना, और चौथा है आपका अनुसूचित जाति जनजाति के पदोन्नति के आरक्षण के लिए इसका नाम आया है। तो देखिए जिसका थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, जो आपका IPC का सेक्शन 377 है जिसमें आपके
एलजीबीटी कम्युनिटी जो होती है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस वुमन, उन सभी को अगर कोई समलैंगिक सेक्स करता है तो वो अब अपराध नहीं है। पहले वो अपराध होता था, पर सेक्शन 377 को अब ओवर रूल्ड कर दिया गया है। और वो हुआ है आपके किस केस की वजह से, नवतेज सिंह चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की वजह से। बहुत सही, फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो देखिए क्या हुआ है, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या किया है हमने, 2018 में ये केस लड़ा था और उससे सेक्शन 377 को हटा दिया गया था। और अभी अभी इसकी एक साल इसको कंप्लीट हो गया है, तो जो आपके एलजीबीटी कम्युनिटी है उन्होंने त्योहार मनाया था, इसलिए वापस न्यूज में आ गया। और देखिए कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाला शब्द टर्म आर्क, क्या टर्म ARC किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन स्वदेशी रूप से विकसित रडार प्रणाली, दूसरा ऑप्शन हिंद महासागर, ओशियन रिम के देशों को सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का उपग्रह है, तीसरा ऑप्शन आर्थिक क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित एक वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, चौथा ऑप्शन वैज्ञानिक रूप से आर्थिक क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए भारत के पानी के नीचे की ऑब्जर्वेटरी है, पानी की वैधशाला है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका चौथा ऑप्शन, ये पानी के नीचे की एक वैधशाला है। देखिए ऐसा है आपकी ये वैधशाला, इस शेप में आपके पूरी की पूरी वैधशाला है। और ये क्या करते हैं, हम पानी के नीचे रिसर्च करने के लिए हमने टर्म ARC को बना रखा है। और हाल ही में इसके कुछ नए अनुप्रयोग सामने आए, कुछ रिसर्च सामने आए, इसलिए ये भी वापस न्यूज में आ गई। तो यहां आप देख सकते हैं इंड ARC या फिर टर्म ARC क्या है, इंड ARC क्या है, आपके वैधशाला है जो पानी के नीचे है। तो ये बात हो गई आपके पानी के नीचे की इंड ARC वैधशाला की। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, जो कि आपके बीजिंग डेक्लेरेशन, बीजिंग घोषणा से संबंधित है, कि बीजिंग डेक्लेरेशन, बीजिंग घोषणा और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन अधिकांशतः समाचारों में दिखाई देता है, ये किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने की यह एक रणनीति है। दूसरा ऑप्शन एशिया प्रशांत आर्थिक मंच के विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप एशिया प्रांत क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास के लिए यह एक कार्य योजना है। तीसरा ऑप्शन महिला सशक्तिकरण के लिए एक एजेंडा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा बुलाई गई विश्व सम्मेलन का यह एक परिणाम है। चौथा ऑप्शन वन्य जीव तस्करी का मुकाबला करने की रणनीति एवं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की एक घोषणा है ये। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, इसका बिल्कुल ठीक है कि ये क्या है आपका महिला सशक्तिकरण के लिए एक एजेंडा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा बुलाई गई जो विश्व सम्मेलन है उसका ही एक बेहतरीन परिणाम है। तो चलिए देखते हैं प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन क्या है, वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए है। इसका एम है एक्सेलरेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज, नैरोबी की जो स्ट्रेटजीज थी उनको आगे बढ़ाना है ताकि आपके वुमन्स महिलाओं को उत्थान हो सके और उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन में जो भी बाधाएं आ रही हैं महिलाओं के सशक्तिकरण में उसे कम किया जा सके और महिलाओं को सार्वजनिक निजी सभी प्रकार की लाइफ में सभी क्षेत्रों जैसे कि इकोनॉमिक आर्थिक सोशल सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी निर्णय निर्धारण प्रणालियों में उनका बढ़ चढ़ कर भाग लिया जाए। तो इसी के साथ हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमने सीखे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों फिर हम एक बार कहेंगे समय बड़ा बलवान है, समय को वेस्ट बिल्कुल मत करो, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई करने के लिए जल्दी से जल्दी अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करो, और खासकर जब आप सब्सक्राइब करोगे तो इस स्टेज में कोई गड़बड़ मत करना, इस स्टेज में आप ढंग से बिल्कुल शांति से हमारे इस कोड SSLIV इस कोड को शांति से इत्मीनान से भरिएगा, अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने SSLIV ढंग से नहीं लिखा, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो फिर आपको ये 10% की छूट बिल्कुल नहीं मिलेगी, फिर आपको कोई भी 10% की छूट नहीं दिलवा सकेगा। अगर आपको वो लेनी है पूरी छूट, पूरा फायदा उठाना है, तो SSLIV को सब्सक्राइब करो, लिखो और अप्लाई करो, फिर आप हमसे जुड़ जाओगे पूरे साल भर के लिए, सारी हेडेक, सारे कोर्सेज हम आपके करवा देंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।